देखिए, पहला प्रश्न आपका है कि सरल करें ए अपॉन्ड ए माइनस बी प्लस बी अपॉन्ड बी माइनस ए को, हमको सरल करना है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है। इस तरह के प्रश्न को आपको बनाने के लिए सबसे आसान ट्रिक है कि ए और बी के मान पुट कीजिए, या फिर तो ए के मान 1 मानिए और बी के मान 2 मानिए, या फिर तो ए के 2 मानिए और बी को 3 मानिए और पुट कीजिए। तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ए का मान 1 माने हैं और बी का 2 माने हैं, पुट करते हैं। ठीक, ए बराबर 1 और बी बराबर 2 हम पुट कर देते हैं यह समीकरण में, उसके बाद आपका आंसर चला आएगा। तो देखिए, आपका यह समीकरण है, इसमें हम ए का मान यहाँ पर 1 पुट किए और ए माइनस 2 तो 1 माइनस 2 पुट किए, प्लस बी का मान 2 है तो 2 अपाउंड बी माइनस ए यानी कि 2 माइनस ए। जब इसको सरल कीजिएगा तो एक में से माइनस 2 जाएगा तो माइनस 1 बटेगा, तो माइनस 1 अपाउंड माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1, तो माइनस 1 हो जाएगा। और 2 अपाउंड 2 माइनस 1 क्या होगा, तो 2 में से 1 गया तो 1, और 2 बट्टा 1 क्या होगा, 2, तो माइनस 1 और प्लस 2 तो क्या होगा, प्लस 1 होगा। तो देखिए, आपको यहाँ आंसर प्लस 1 आ गया। और ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन डी में आपका मैच खा रहा है प्लस 1। तो आपको इस तरह से प्रश्न एक्स बाई जेड के रूप में भी रहेगा, तो उसको भी सॉल्व करने के लिए आपको एक्स बाई जेड को 1, 2, 3 मान लेना है, या फिर 2, 3, 4 मान लेना है। यदि 1, 2, 3 मानते हैं तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगा, और 2, 3, 4 मानते हैं थोड़ा सॉल्व करने में मुश्किल होगी। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न को आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गई हो, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए आपका दूसरा प्रश्न है कि यदि 3x + y = 9 एवं 3x - y √9 तो x एवं y का मान है। ठीक, ऑप्शन ए में आपका है 3/2, 2/3। ठीक, इस तरह से आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, 3x + y = 3 हम स्क्वायर कर सकते हैं, या 9 को हम क्या लिख सकते हैं कि 3² तो लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। तो देखिए, दोनों का बेस यहाँ सेम हो गया, तो बेस सेम तो पावर सेम, तो हम दोनों को पावर सेम कर दिए, x + y = 2 कर दिए। ठीक, तो यह आपका समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया। उसी तरह से आपको इसको भी करना है कि 3 दिया हुआ x - y = 3/1/2, क्योंकि रूट हटता है तो 1/2 आता है। ठीक, यहाँ पर आपका हो गया 3/1/2, यहाँ से भी दोनों का बेस सेम है तो हम बेस सेम है तो क्या करते हैं, पावर सेम करते हैं, तो x - y = 1/2 हो गया आपका समीकरण या सेकंड हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखिए हम दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। ठीक, दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं, तब एक्स और वाई का मान हमको ज्ञात हो जाएगा। चलिए, अब दोनों समीकरण को हम ऐड करते हैं। देखिए, दोनों समीकरण को हम यहाँ पर जोड़े हैं। ठीक, तो x + y = 2 और x - y = 1/2 होगा। यहाँ प्लस और माइनस है तो वाई कट जाएगा, और यहाँ से 1x और 1x 2x हो जाएगा, 2x = आपका हो जाएगा 2+1/2। ठीक, इसीलिए यहाँ से 2x = हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 2 LCM आ जाएगा, और 2 × 2 = 4 + 1 = 5, यानी कि 5y2 हो जाएगा। ठीक, इसीलिए x = जो मेरा होगा 5/4 होगा x का मान, तो x का मान हमको ज्ञात हो गया 5/4। उसके बाद हमको y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक, सॉरी, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, तो x का मान समीकरण फर्स्ट क्या है, x + y = 2 है, तो यहाँ से y = हमको ज्ञात हो गया 5/5/4+5। इस समीकरण फर्स्ट में हम मान रखे हैं, या जो आप देख रहे हैं इसमें हम समीकरण फर्स्ट में मान रखे हैं, तो x का जगह 5/4 रख दिए हैं, +y = 2 हो गया। इसलिए y = क्या होगा, 2 इस साइड प्लस में है, तब 5/4 के इधर माइनस हो जाएगा। ठीक, इसलिए y = LCM लेंगे, 4 × 4 = 8, 8 में से 5 गया 3, यानी कि y = ही हो गया 3/4। तो दोस्तों, यदि इस टाइप का वीडियो आप लोग का पसंद आता है, समझ में आती है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ इस टाइप का वीडियो चलेगा, तो हम अगला वीडियो भी इसी टाइप को बना करके ले आते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा कैलकुलेशन करने में स्पेस नहीं मिल पाता, जिसके कारण लंबी जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। यदि इस तरह के आपको क्वेश्चन समझ में आते, इस तरह के वीडियो में आपको समझ में आ गए पूरी तरह से सारे क्वेश्चन, तो हम अगले वीडियो में फिर भी इसी तरह के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और कॉमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएँ कि आपको इस तरह के वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।